और अभी आप लोगों से दिखाने जा रहे हैं लोग जो कि ज्योति को मिला है भैया के तरफ से रक्षाबंधन गिफ्ट। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल के पास में और देखते हैं कितना समय लगता है। अभी ज्योति को मन किया अमरूद खाने का, तो एक ठेला दिख रहा है जिस पर अमरूद लगा हुआ है, चलते हैं अमरूद लेने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी ज्योति तैयार हो रही है, अभी इसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि पिछली बार दवा कराए थे तो डॉक्टर साहब बोले थे कि 10 दिन बाद लेके आइए। और इनका ये राखी दोस्तों, ये दीदी के एक दीदी बोली थी उनके साथी और ये एक अमेरिका वाली। हम हाथ में बांधे हैं ना, हाथ में बांधे हैं, वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन किसके लिए हम राखी बांधे थे। इनकी सिस्टर बांधी थी। और आज के इस ब्लॉग में दोस्तों हम लोग दिखाएंगे कि ज्योति के भैया के तरफ से इसको क्या गिफ्ट मिला था रक्षाबंधन, दोनों भैया के तरफ से। हाँ, तो वो चीज भी आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाएंगे और एक एक सामान दिखाएंगे, बहुत कुछ मिला है ज्योति का। इसको हम जीरेक्स सर्जरी करा देंगे, सर्जरी ना बोल के लगी। फिलहाल हम अभी बने हुए हैं कालू बाबा, क्योंकि दोस्तों अभी मैं आ रहा हूँ मंडी से, पूरा फीक किया हूँ सुबह सुबह, इसको छोड़ दिया था। बाकी मैं भी जा रहा हूँ अभी रेडी हो जाने, रेडी होकर फिर ज्योति को लेके चलते हैं हॉस्पिटल और उधर से आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या गिफ्ट मिला है ज्योति को रक्षाबंधन में। और दोस्तों अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं हॉस्पिटल के पास में और देखते हैं कितना समय लगता है। समय बहुत कम लगता है, ज्योति झगड़ा करते आइए ऑटो वाले। अभी आ गए हॉस्पिटल पे, लग रहा है खाली है पूरा। दोस्तों यहाँ आना व्यर्थ गया क्योंकि मैडम आज नहीं है, डॉक्टर साहब गई है बाहर, सोमवार को आएंगे। बड़ो जियान हुआ हम लोगों का और टाइम भी बर्बाद हुआ। अभी चलते हैं लोग फिर वापस अपने घर के लिए। अभी ज्योति को मन किया अमरूद खाने का, तो एक ठेला दिख रहा है जिस पर अमरूद लगा हुआ है, चलते हैं अमरूद लेने। बीस रुपए का दो अमरूद कर लिया और लेते लोग दोस्तों, बट हमें खाना नहीं है, बाबू को भी खांसी है तो इसीलिए दो ही पीस लिए लोग, ज्योति केवल खाएगी। और आज ज्योति को पहली बार कुछ कुछ खाने का मन कर रहा है, अमरूद कर दो भाई, अभी बोल रही है फ्रूटी पीने का मन है, फ्रूटी देखिए पी रही है। और क्या खाओगी भाई, तो कभी भी आती है ना तो कुछ पूछते हैं, ये खाओगी ज्योति, है तो ना वो खाओगी, है तो ना। और दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं लोग अपने रूम पे, फिलहाल अभी आराम कर रहे हैं लोग क्योंकि काफी ज्यादा थक गए लोग, धूप इतना तगड़ा है ना, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। इतना ना झगड़ा किया है लोग अपने में दोस्तों कि हम, मेरा तबीयत खराब हो गया झगड़ा। और ज्योति आई ना, ज्योति आई, बहुत ही हंसी आया जब हम लोग उधर से आ रहे थे लोग ना, तो दो बार टेम्पू चेंज करना होता है, एक बार वहाँ से हॉस्पिटल से आए लोग स्टेशन और फिर वहाँ से टेम्पू पकड़े लोग, तो वहाँ ऐसे टेम्पू में बैठ गए हम लोग, ऐसे ऑटो में बैठ गए तो लग रहा था कि हेलीकॉप्टर चला रहा है, कैसे एकदम ज्योति दोनों कान ऐसे बंद कर ली थी, इतना ज्यादा आवाज हो रहा था कि कपार मेरा दर्द करने लगा दोस्तों, और ही बीमार जैसे। तो अभी 1:30 बजने वाला है, चलते हैं बाबू को स्कूल से लाने, बाबू के स्कूल का छुट्टी होगा आज, 120-140 रुपए भाड़ो चलेगा। काम भी नहीं हुआ, भाड़ा भी बर्बाद हो गया। और दोस्तों अभी नहा धोवा लिए हम लोग, हम तीनों नहा लिए, परी को भी स्कूल से ला के नहा दिए, ज्योति भी नहा ली यहाँ देखिए, और मैं भी नहा लिया। हाँ बेटा, और अभी हम चल रहे हैं आप लोगों से एक और चीज दिखाने, ज्योति आज इतना कपड़ा धोई है, इतना कपड़ा धोई है कि लग रहा है कि हम लोग कपड़ा धोने वाला काम शुरू कर दिए। चलिए आप लोग दिखाते हैं, ये देखिए अभी आ गए हम छत पे, यहाँ से शुरू होगा, देखिए पूरा चारों तरफ एकदम कपड़ा ही कपड़ा। दो घंटा लगा है इसको इतना कपड़ा धोने में। सो दोस्तों फाइनली अभी रेडी वेडी होके आ गए लोग और इसको ऐसे कर लेते हैं, और अभी आप लोगों से दिखाने जा रहे हैं लोग जो कि ज्योति को मिला है भैया के तरफ से रक्षाबंधन गिफ्ट। तो फाइनली आज इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम, भैया ना भाइयों, अच्छा हाँ भाइयों के तरफ से, दो दो भाइयों के तरफ से मिला है ना। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको ना दोस्तों मेरे पेट में पछता नहीं है, आए उसी दिन देख लिए और ये भी लेके जा रहा है। हाँ
तो इसमें है दोस्तों एक बहुत ही प्यारा और सुंदर साड़ी, बहुत अच्छा है और ये साड़ी दोस्तों खोल के आपने नहीं दिखाया, तो इसको ज्योति खोल के दिखाते रहिए। वो भी बहुत प्यारा साड़ी था और ये भी बहुत प्यारा साड़ी है, हालांकि प्यार से कोई भी दिया हुआ गिफ्ट प्यारा ही होता है। बहुत अच्छा है दोस्तों, पीछे के बाद बनाते पर हम लोग तो ये ज्योति के भैया के तरफ से, और अभी इसमें और है दोस्तों, ये तो साड़ी हो गया, भाभी के तरफ से भी था क्योंकि ये अपने भाभी को भी राखी बांधी, यानी काजल दी को, दोनों आदमी की तरफ से भी सब था, अलग अलग थोड़े ना है, तो वही ना हम भी बोल रहे हैं, तो ये कब बोल रहे हम इस समय तक जो लोग भाभी के लिए ना ये इसमें है दोस्तों फोटो, यही फोटो इसको कल पहनेंगे दोस्तों, मेरे को बचाए नहीं है। और ये है दोस्तों 100 रुपया, ये सुनील भैया के तरफ से रक्षाबंधन गिफ्ट, इसको अच्छा से रख देना, इसको भी अच्छा से संभाल के रख देना, ये पैसा नहीं है, ये पैसा और सामान नहीं है, एक भाई का प्यार है एक बहन के लिए, जो कि इसका कीमत नहीं होता, ये अनमोल है, तो इसको ज्योति ने बोला है ना कि ये सब नहीं भी देते लोग तो कोई क्यों नहीं होता दोस्तों, हम लोग किसी खर्च में लाती है। हाँ 5 साल बाद इसको ज्योति ने बोला है, इसको ज्योति ने बोला है लेमिनेशन कराने के लिए, तो इस नोट को हम लेमिनेशन कराएंगे और रख देंगे। और ये दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा एक चाप, इसका भैया खरीद के लाए थे, बहुत सुंदर है दोस्तों, बर्तन एक मोबाइल में देख रहे हैं, ये कलाचर देखो इनको ज्यादा जरूरी है ना, और इसमें सबसे सुंदर ये बिंदी है दोस्तों, ये देखिए मल्टी कलर है, हां सब कलर है, हट जा तुम, हटो वहां पर आगे से बैठो, हाय बहुत सुंदर है, हाय सारी पहनने में तब बहुत सुंदर है, और ये देखिए चूड़ी, ये डब्बा वाला चूड़ी दोस्तों, ऐसे एक और निकाल दे, दो और निकाल दे, बहुत सुंदर चूड़ी है दोस्तों, और इतना ना मेरे हाथ के हाथ का नाती है दोस्तों, एकदम हो जा रहा है मेरे हाथ में, जब भी इस पे ना वो स्टोन लगा हुआ है गोल्डन कलर का, मोबाइल में नहीं दिख रहा है, और ये है पैर आंटा दोस्तों, अलग आएंगे नाजन कर, और ये है काजल, काजल भाभी काजल ऑल इन वन, और ये है नेल पेंट, तो एक लेडीज के लिए पूरा ऑल सामान दिए हैं, और ये है सिंदूर, और ये है लेडीज की, और रबड़ भी था दोस्तों, जो की परी लगाने के लिए खोल दी है, इसमें 6 गो की 8 में साइज था, तो रबड़ था और लिपस्टिक भी, देखिए कितना अच्छा है, हम एक ट्राई किए थोड़ा सा लगा के, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो ज्योति को मिला है इतना सारा सामान, तो आपने 5 साल बाद मेरे राखी बांधने का मौका दिया, और मेरे तरफ से मिथुन भैया हर एक साल दीजिए मेरे को, दोनों भैया हाँ। दोनों और जितने भी भैया बनना चाहे, जितने भी भाई और पूरा आरिफ भैया भी है हाँ। वो भी भेजे थे कढ़ाई हाँ। तो अभी तो इस साल 3 भाइयों को राखी बांधी, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले साल कम से कम ज्योति 30 भाइयों को राखी बांधे, ढेर सारे गिफ्ट लाएगा ज्योति, ये भैया पैसा दिए ना दो, हम इतना खुश थे कि वो ऐसे ला रहे हैं कि लो इसको भी संभाल के, हम गुफ दे ले लिए, बाद में वीडियो देखे ना तो हम देख के सोच रहे ना कि बाहर हम गुफ दे पैसा ले लिए,
चलिए बहुत सारा प्यार मिला उन लोगों की तरफ से, भैया भैया दीदी के घर से, सुनील भैया की तरफ से, तो इसके लिए सभी को थैंक यू सो मच। और इसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग है, सबसे बड़ा हाथ है आप सभी को। मारे नहीं हूँ। आप सभी को भी हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद क्यों करे बाबा? क्योंकि धन्यवाद करना जरूरी होता है बेटा, कोई भी। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, जो कि हम कमेंट लिख कर रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको हम कमेंट मतलब बताएंगे कि कैसे क्यों है। जैसे कि कमेंट का रिप्लाई वहाँ हम लोग नहीं दे पा रहे अपने वीडियो पे, और हम लोग कमेंट पे वीडियो बना के आप लोगों को बताएंगे। जो भी आपका सवाल है या जो भी आपने कमेंट किया है उसका जवाब हम मिल देंगे। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। आशा करते हैं कि हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में सारी ही पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग देखिए। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो एक और चीज नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। बाय बाय।